हेलो एवरीवन, वेलकम टू वुमम टीवी। आज हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग वुमम है, स्नेह रत्नपारखी। शी इज़ फ्रॉम पुणे एंड अ बॉर्न आर्टिस्ट। एज यू कैन सी अराउंड, उनका बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क है। शी इज़ इनटू फैब्रिक पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, पेपर आर्ट, बैकड्रॉप्स एंड सो मच मोर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कैसे शुरू हुई आपकी जर्नी एज एन आर्टिस्ट? मेरा बचपन से इसमें एक बचपन से मैं करती आ रही हूँ। तो जब मेरे पेरेंट्स ने देखा कि मैं ये सब कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। और बस मैं और मेरी माँ एक आर्टिस्ट है, तो फिर क्या कहना, उनके साथ मैंने अच्छा सा मेरा सफ़र चालू हो गया और जो अब तक चालू है। शादी के बाद भी मेरे घर वालों ने मुझे बहुत हेल्प की और मैं इसीलिए मैं मेरी हॉबी बहुत इंजॉय करती हूँ और रोज़ कुछ ना कुछ करती हूँ। ब्यूटीफुल। सो वुमन सपोर्टिंग वुमन, व्हाट एल्स डू यू मीन? तो आप आर्ट में क्या क्या करते हैं एग्जैक्टली? मैं आर्ट में स्केचिंग, पेंटिंग, ड्राइंग ये तो करती ही हूँ, और इसके साथ साथ मैं आजकल मैंने बड़े बड़े बैकड्रॉप्स करना चालू किया है कि जो पीछे बैकड्रॉप होते हैं इवेंट्स में, मैरिजेस, बर्थडेज, तो उसमें सारा आर्ट मेरा पेपर का होता है। तो इको फ्रेंडली करना चाहती हूँ, इसीलिए फ्लावर्स, ये तो बहुत छोटा सा है पर मैं बड़े बड़े फ्लावर्स और इससे सजाती हूँ सब कुछ। बढ़िया। और आजकल मैंने गणेश जी की मूर्तियाँ, क्ले आर्ट, वो भी मैंने सीखना चालू किया है। 3 साल हो गए मैं गणेश जी की मूर्तियाँ भी बना रही हूँ। तो आप सीखते भी हैं, सिखाते हैं? बिल्कुल सीखती हूँ। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। यस यस। बढ़िया। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल फैब्रिक आर्च, इज डन ऑन अ कुशन कवर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लीज़ आप दिखाइए व्यूअर्स को। वाटर पेंटिंग है, ये पेपर कोलाज है। पेपर के टुकड़े काटकर उनको चिपका के एक इफेक्ट बनाना होता है आपको। आर यू सीरियस? दिस इज ब्यूटीफुल। ये मुगल आर्ट है या इंडियन आर्ट इसको बोलते हैं। इसको बारीक ब्रश से सब किया जाता है। ओके, ब्यूटीफुल। और तो ये सब हम कुर्तीज पे भी कर सकते हैं, ऑन योर साड़ीज, ऑन योर पार्टी वेयर, यू कैन जस्ट प्लेस द ऑर्डर्स एंड गेट इट डन। दुपट्टे, साड़ियाँ, वाओ, ब्यूटीफुल। इसमें काफ़ी मेहनत लगती होगी? मेहनत तो लगती है पर आपका जुनून होता है काम का, आप उसके पीछे समय निकाल के कर ही लेते हैं। इसको डूडलिंग बोलते हैं, एक नया आर्ट है। डूडलिंग? डूडलिंग, इंटरेस्टिंग। वाओ, थैंक यू श्वेता, ये सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट में। ये भी बहुत ही खूबसूरत है जैसे आप देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग। तो ऐसे कोई चैलेंजेस आपने फेस किए मदरहुड और आपका पैशन संभालते हुए, बैलेंस करते हुए? सच बताऊँ तो ऐसे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि आसानी से सब मिलता भी गया और मैं करती गई, और एक जुनून था तो उसके पीछे मैंने सब कर भी लिया। कभी कभी परेशानी होती थी समय की, पर वो चलता है, वो तो सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी वो हुआ, पर इतना कुछ ऐसे चैलेंजिंग ऐसे कुछ नहीं था। बढ़िया। एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, आपका आर्ट वर्क पसंद कर रहे हैं, आप तक पहुँचना चाहेंगे फॉर द क्लासेस एंड कैसे ये चीज़ें वो बाय कर सकते हैं ये जानने के लिए? मेरा फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक पेज भी है, आप उस पर जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फेसबुक पेज इज डिफरेंट स्ट्रोक्स बाय स्नेह रत्नपारखी, एंड यू कैन प्लेस द ऑर्डर्स फॉर योर फैब्रिक पेंटिंग, फॉर योर पार्टी वेयर्स और फॉर योर वॉल डेकोर एनी टाइम। एंड ऐसा कोई इंस्पायरिंग मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे मॉम्स को? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक हॉबी तो आपको होनी चाहिए। अगर आपके पास हॉबी है तो कभी आपको कोई भी छोटे से छोटा या बड़ा कोई प्रॉब्लम आता है या कभी आप नर्वस हो जाते हो, तो अगर आपकी हॉबी आपको बहुत हेल्प करती है और मुझे लगता है उसमें से आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हो और आप हैप्पी, बिल्कुल आप खुश तो रह सकते हो उसके साथ साथ, और आपको आपकी हॉबी तो खुश रखती ही है किसी भी हालत, ये मेरा अनुभव है। यस, एंड जैसे आप देख सकते हो उनकी खुशी उनके चेहरे पर झलक रही है, विच इज़ सो ट्रू। इफ़ यू हैव अ पैशन एंड यू कीप इट अलाइव थ्रू योर गुड लिटिल वेज, यू कैन रिमेन हैप्पी। थैंक यू सो मच, इतना खूबसूरत मैसेज, थैंक यू। So keep up your good artwork and you all stay tuned with Pumam TV for more powerful stories. Thank you.